नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय डिजिटल न्यूज चैनल MNT न्यूज, पूनम जायसवाल के साथ। उत्तर प्रदेश की डुमरियागंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुने जा रहे हैं कि जो हिंदू मुझे वोट नहीं देगा उनकी रगों में मुस्लिम खून है। भाजपा विधायक ने स्वीकार किया कि उन्होंने 5 दिन पहले यह टिप्पणी की थी, लेकिन उन्होंने कहा कि यह एक अन्य संदर्भ में उदाहरण के रूप में कहा गया था और उनका किसी को भी धमकी देने का कोई इरादा नहीं था। भाजपा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मैंने वो बातें कही हैं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने एक और संदर्भ में बात की थी उदाहरण के तौर पर और अतीत के साथ तुलना कर रहा था। मेरा किसी को धमकी देने का कोई इरादा नहीं था। क्या कोई डुमरियागंज में धमकी देकर चुनाव जीत सकता है, जहां लगभग 173,000 मुस्लिम मतदाता हैं, जिनका प्रतिशत लगभग 39.8% है। वीडियो में विधायक को अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना जा सकता है। वह कहते हैं कि मुझे बताओ क्या कोई मुस्लिम मुझे वोट देगा, तो ध्यान रहे कि अगर इस गांव के हिंदू दूसरे पक्ष का समर्थन करते हैं तो उनकी नसों में मुस्लिम खून है, वे देशद्रोही हैं। और एक बार अगर चेतावनी देने के साथ समझ में नहीं आएगा तो इस बार मैं बता दूंगा कि राघवेंद्र सिंह कौन है, क्योंकि मेरे साथ गद्दारी करोगे तो चलेगा, मैं अपमान सह लूंगा, मुझे अपमानित करोगे तो भी मैं सह लूंगा, हमारे हिंदू समाज को अपमानित करने का प्रयास करोगे तो बर्बाद करके रख दूंगा। केहू से डरावे जरूरत नहीं। हमारे बिटिया बहन महिलाओं के तरफ अगर अखियां उठाई है तो उनके यहाँ खतना होला, तनी भर हम पूरा खतनवा करवाए पाकिस्तान मस्जिद तक कहीं दल प्रणाली के चोला से। अगर किसी भी हिंदू का अपमान हुआ और किसी ने किसी बेटी की तरफ देखा तो इतना मरवाऊंगा, इतना कटवाऊंगा कि नाम जिंदाबाद। लेकिन याद करो, जितना तोरो लोग किया होकर बदलवा हम भुलाई नहीं, हम धीरे धीरे लेब जरूर, लेकिन दुर्भाग्य है कुछ हमारे यहाँ कोरोना पैदा हो जाना। बताए तो कौनो मियाँ हमें वोट दे, तो जान ले यहाँ गांव का जवान हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो जान लो ओकरे अंदर मियाँ के खून दौड़ बा। वो गद्दार है, वो जयचंद की नाजायज औलाद है, तो अपने बाप की हराम खोर औलाद है। इतना अत्याचार होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लायक नहीं रखना चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलता था, मैंने कहा 5 साल मैं भी विधायक होने के बाद देखूंगा, जरा परखूंगा, समझूंगा, और एक बार अगर वार्निंग देने के साथ समझ में नहीं आएगा तो इस बार मैं बता दूंगा कि राघवेंद्र सिंह कौन है, क्योंकि मेरे साथ गद्दारी करोगे तो चलेगा, मैं अपमान सह लूंगा, मुझे अपमानित करोगे तो भी मैं अपमानित सह लूंगा, लेकिन अगर हमारे हिंदू समाज को अपमानित करने का प्रयास करोगे तो बर्बाद करके रखोगे। देखो राघवेंद्र सिंह का देखो मोदी जी